मैं नरेश रागानी स्वागत करता हूँ आपका हॉराइजन नेट न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया विवेकानंद मॉडल स्कूल का शुभारंभ। शुभारंभ कार्यक्रम में जुटे बड़ी संख्या में लोग, मंत्री अनिता बदेल और संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत नहीं पहुंचे कार्यक्रम में। राजस्थान सरकार की मॉडल स्कूल योजना के तहत माकड़वाली गांव में बनाए गए नव निर्मित स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के प्रयासों से बने इस विद्यालय की बिल्डिंग किसी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। यहाँ शिक्षा के अन्य सरकारी स्कूलों की तुलना में गुणवत्तापूर्ण ही रहेगी। केंद्रीय मंत्री आगमन पर उनका स्वागत राजस्थानी परंपरा के साथ किया गया। स्कूल के छात्रों ने केसरिया साफा पहन रखा था। प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह तो न्यू इंडिया है, बच्चों को जैसे संस्कार देंगे वे वैसे बनते जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने स्कूल परिसर में लगाई गई स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का माल्यार्पण किया। जावड़ेकर ने स्कूल के कमरों का अवलोकन किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महिला बाल विकास मंत्री अनिता बदेल और अतिथि संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत थे, लेकिन दोनों ही नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत, अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, नगर निगम के मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पुलिस महानिरीक्षक मालिनी अग्रवाल, कलेक्टर गौरव गोयल, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी कार्यक्रम में थे। मीडियाकर्मी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत करने के लिए पूरे कार्यक्रम समाप्त होने का इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने मीडियाकर्मियों से बातचीत नहीं की। इससे पहले विवेकानंद स्कूल पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अलग अलग स्थानों पर जावड़ेकर का स्वागत किया। आम आदमी को भी मिल सकेगी अच्छी शिक्षा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। प्राइवेट स्कूलों की तरह गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रही है सरकारी स्कूल। सबको शिक्षा और अच्छी शिक्षा की नीति पर चला रही है मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा के नारे के साथ देश में शिक्षा का नया तंत्र तैयार किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की तरह राजस्थान में विवेकानंद मॉडल स्कूल तैयार हो रहे हैं। इनकी बिल्डिंग ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ दी जा रही शिक्षा में उच्च क्वालिटी की है। इस तरह के विद्यालयों में प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया के संकल्प की झलक मिलती है। जावड़ेकर गुरुवार को माकड़वाली गांव में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेने अजमेर आए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में हो रहे नए प्रयोग के कारण अब उनमें निजी स्कूलों की तरह अच्छी शिक्षा मिल रही है। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के प्रयास की तारीफ भी की है। जाति के आधार पर, आय के आधार पर नहीं देता, सबको अच्छी अलग अलग अच्छी बुद्धि होती है, उसको अवसर देने का बात है। आज देखिए ये साफा बांध कर आए हैं तो विवेकानंद ही दिख रहे हैं, और ऐसे ही छात्र होते हैं, उनको जैसा बनाओ वैसे वो बन जाते हैं। और यही न्यू इंडिया है, दिस इज न्यू इंडिया, जो प्रधानमंत्री कहते हैं नया भारत, यही नया भारत है। और इसलिए एक स्कूल के उद्घाटन के लिए इतने सारे लोग आए, क्या मांग है उनके दिल में। आज कोई भी मिलता है तो कहता है भाई हमारे बेटे बेटी को अच्छी पढ़ाई शिक्षा दो, अच्छे स्कूल में दाखिला दो। और अच्छे स्कूल का मतलब वो प्राइवेट स्कूल में जहां बहुत ज्यादा फी है, बहुत अच्छा स्कूल होगा, लेकिन वहां वो जा नहीं सकता, उसको अच्छा भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, लेकिन इसका भी एक खर्चा है, ये समझना चाहिए। एक जिला परिषद के स्कूल में प्रति छात्र हर साल हम 24,000 रुपए खर्चा करते हैं, यानी महीने का 2,000 रुपए का खर्चा जिला परिषद के स्कूल में होता है। ये विवेकानंद वाला जो है वहां महीने का 3,000 रुपए सरकार खर्चा करती है, जो केंद्रीय विद्यालय है वहां महीने का 4,000 रुपए खर्चा करती है, और नवोदय में तो रेसिडेंशियल स्कूल है वहां लगभग 1,00,000 रुपया साल का, यानी 8,000 रुपए महीने का खर्चा करती है। तो ये सरकार करती है, मैंने कौन करता है, टैक्स देने वाले करते हैं, जो कमाते हैं टैक्स देते हैं, उसी में से देते हैं। और इसलिए शिक्षा में जो गुणवत्ता का ह्रास हुआ जिला परिषद स्कूलों में, हमने चुनौती ली है
कि जिला परिषद के स्कूल सभी राज्यों को साथ लेकर अच्छे बनाकर दिखाएंगे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताते हुए कहा कि राजस्थान में 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के माध्यम से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयोग कर इसे उच्च स्तरीय बनाया गया है। एक लगातार क्वालिटी आ रही है, परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसे माननीय प्रकाश जी जावड़ेकर आज अपने बीच में है। मैं अजमेर की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह मॉडल स्कूल की जो कल्पना भारत सरकार ने सोची कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने की सुविधा मिले, आज माकड़ वाले छोटे से गांव में ग्रामवासी, हमारे स्कूल का शैक्षिक परिवार, यहाँ के सारे प्रशासन के लोग और यहाँ के हमारे संगठन के लोग सब आपके स्वागत के लिए आतुर हैं। मंच पर विराजमान हमारे शहर के प्रथम पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर दी दबिश, दो युवती सहित 9 युवकों को लिया हिरासत में। डेमो स्टेशन स्कूल के सामने चल रहा था हुक्का बार। वैशाली नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डेमो स्टेशन स्कूल के सामने चल रहे एक अवैध हुक्का बार पर दबिश देकर दो युवती सहित 9 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई से हुक्का बार में मौज मस्ती में डूबे युवक और युवतियों में के होश फक्ता हो गए। मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। गुरुवार को आईपीएस मोनिका सैन के निर्देश के बाद वैशाली नगर थाना पुलिस की टीम ने डेमोस्ट्रेशन स्कूल के सामने चल रहे जंकयार्ड नाम के एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। रेस्टोरेंट के अंदर अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा था, जिसमें विदेशी फ्लेवरों के नशीले पदार्थों का सेवन कराया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जंकयार्ड के संचालकों को हिरासत में लिया, साथ ही वहां मौजूद युवकों को भी पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लेकर गए। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान सम्राट घरों की दो युवतियां भी वहां पर मिली। पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। पुलिस ने जंकयार्ड से 3 हुक्का भी जब्त किए हैं। एसपी साहब ने बताया कि मतलब ये पार्क रीजनल किराए की तरफ छोड़ जाता, उसके पास में हुक्का बार जो अवैध रूप से चल रहा है वहाँ पर चल गया। उस पर मैं चाहता कि वहाँ पहुँचे, जहाँ पर एएसपी साहब मैडम थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अगर हुक्का बार चल रहा है कार्यवाही की जाए। इस पर संचालक को और मैं उसके हुक्का के सामान को जब्त कर सके थाने पर ले गए। अभी उनसे भाई वो किस कारण ही ये अभी क्लियर नहीं हो पाया अनुसंधान से। कितने लड़के और कितने लड़कियां? अभी 9 लड़कियां, 2 लड़कियां हैं। अब पूछताछ से मालूम पड़ेगा कि किस पर्पज से, कोई कह रहा है कुछ दुनिया नहीं करना है कुछ है सर, तो रेस्टोरेंट भी चलता है। हाँ रेस्टोरेंट क्या लग रहा है भाई, नाबालिग बच्चे हैं या बालिक बच्चे हैं? अभी तो तफ्तीश होगी, कोई बात नहीं। आपका नाम? भाजपा के स्थायी कार्यालय का रास्ता हुआ साफ, ईडी ने दिए 1,44,00,000 रुपए का डिमांड नोट। 3,000 वर्ग मीटर में बनेगा आधुनिक कार्यालय। अब तक किराए के भवन लेकर कार्यालय संचालित करने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए स्थायी कार्यालय का सपना सच होने जा रहा है। सरकार की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय दल होने के नाते भाजपा अजमेर को अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से जयपुर रोड पर 3,000 वर्ग मीटर की जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इस भवन पर भाजपा का आधुनिक कार्यालय बनाया जाएगा। गुरुवार को अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव को 1,44,00,000 रुपए का डिमांड नोट सौंपा। इस दौरान भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस राशि में लीज मनी भी शामिल है। अजमेर भाजपा को ये राशि 1 महीने में जमा करानी होगी। डिमांड नोट जारी किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए जमीन दिया। इसका राजस्थान गवर्नमेंट ने
टैलेंट एक निर्देश दिए थे, कोई भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी अगर जमीन लेना चाहे अपने कार्यालय के लिए, उसकी एक निर्धारित सीमा उन्होंने तय कर दी कि इस तरह से हम कितने वर्ग जमीन देंगे। तो हर जिले के लिए एक सीमा निर्धारित है, उस सीमा के तहत भारतीय जनता पार्टी देहात और शहर जिला दोनों ने मिलकर साथ में एक जमीन के लिए आवेदन किया था। उस आवेदन पर चर्चा करने के बाद में हमने यहाँ से प्रस्ताव पास करके गवर्नमेंट के पास भेजा और गवर्नमेंट से हमारे पास स्वीकृति आ गई। उस स्वीकृति के तहत आज हमने डिमांड नोट जो बनाया है, उस डिमांड नोट में 1,44,36,309 रुपये का ये डिमांड नोट निकला। इसमें लीज मनी का अमाउंट नहीं है, लीज मनी का एक डिमांड नोट आज दूसरा निकलेगा, वो राशि अलग उनको जमा करानी थी। ये दोनों मिलाकर के दोनों राशियां मिलकर एक महीने के अंदर हमारे पास में जमा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बहुत जल्दी यहाँ पर उसकी नींव रखी जाएगी और बनकर तैयार हुआ। इसी तरह से दूसरी कोई भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां अगर हमारे पास में से डिमांड करती है, हम उनको भी निश्चित रूप से जमीन का आवंटन नियमानुसार उनको भी करेंगे। ब्यावरों पुलिस ने तोड़ी अवैध शराब की भट्टियां, हथकड़ी शराब बनाते महिला सहित 10 गिरफ्तार। बंजर और सासी बस्ती में बन रही थी शराब, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ब्यावर की कंजर और सासी बस्ती में दबिश देकर अवैध शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक CS सोडा के नेतृत्व में आबकारी पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में शराब की भट्टियों को नष्ट कर हथकड़ी शराब बनाने के काम में लगी महिलाओं व पुरुष सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी पुलिस थाना प्रभारी हरस्वरूप सिंह ने पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए हथकड़ी शराब जब्त कर मौके पर वॉश को भी नष्ट किया। टीम को मौके पर चालू भट्टियां भी मिली जिसे क्षतिग्रस्त किया गया। टीम को तलाशी के दौरान हथकड़ी शराब मिली जिसे जब्त कर लिया गया। ब्यावर DYSP साहब सोडा साहब के नेतृत्व में आबकारी विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंदर ब्यावर के अंदर सासी बस्ती व कंजर बस्ती के अंदर दबिश दी गई। ये कार्रवाई करीब 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में चली, जिसमें सासी बस्ती व कंजर बस्ती को चारों तरफ से घेर कर दबिश दी गई। तो मौके पर कुछ चालू भट्टियां चलती हुई मिली व बांस के मटके और ड्रमों में भरे हुए मिले, जिन्हें मौके पर नष्ट किया गया तथा कुल 10 अभियोग दर्ज किए गए। रेलवे स्टेशन पर ठगी कर लैपटॉप उड़ाने वाले चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे, चोरी का लैपटॉप खरीदने वाला भी गिरफ्तार, दोनों को किया अदालत में पेश। रेलवे स्टेशन पर ठगी कर एक व्यक्ति का लैपटॉप लेकर चंपत होने वाले शमितर चोर को GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी के बाद चोर ने लैपटॉप को पीसांगन में रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दिया था। पुलिस ने चोर की निशानदेही पर चोरी का लैपटॉप खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया। चोर ने 3 दिन पहले रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति से दोस्ती गांठ कर पहले तो उसने उसे खाना खिलाया, फिर उसे विश्वास में लेकर लैपटॉप लेकर चलता बना। जी भाई, कल एक आदमी ने मुकदमा दर्ज करवाया, मुझे एक आदमी मिला, मुझे खाने के लिए पैसे मांगे और मैंने उसको खाना खिलाया। वो रात भर मेरे साथ था, उसको कहीं ब्यावर की तरफ जाना और मुझे भी चित्तौड़ जाना, तो वो मुझे स्टेशन पर काफ़ी टिकट दिया और मैं उसका टिकट लेने चला गया मेरा उसका दोनों का। वापस देखा तो मेरा लैपटॉप का बैग लेकर खड़ा रहा, जिसे अपना नाम कोई ईश्वर सिंह सीकर दे लगा रहना बड़ा बताया था। उसके अंदर SHO के साथ शिवसा के निर्देश में टीम बैठी थी, तो तलाश करवाया तो दस्तियाब कर उसको गिरफ्तार कर लिया। उसी की सहायता से उसे पीसांगन में जो बेचा था वो लैपटॉप, उस व्यक्ति को भी हमें गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम सलीम मोहम्मद है, जो पीसांगन का रहने वाला खरीदने वाला और चोरी करने वाला है, सामेर गांव है, खाट श्याम के थाने पर उसको अरेस्ट कर दिया। चोर से लैपटॉप बरामद हो गया और बिल्कुल। अच्छा, इसके खिलाफ और कोई मुकदमे हैं क्या? अभी ऐसे कोई मुकदमे की जानकारी नहीं। देश की सेवा में लगे एक सैनिक के साथ हुई ठगी, ठग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर ATM से निकाले 40,000 रुपए। पिता ने कहा बैंक प्रणाली भी सुरक्षित नहीं तो कहाँ रखे पैसे। एक ठग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए देश की सेवा कर रहे रजाक नाम के एक फौजी के अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। 3 दिन पहले फौजी के मोबाइल पर बैंक से पैसे निकालने का मैसेज आया, जबकि फौजी रजाक खान ने पैसे नहीं निकाले थे। उसने अपने पिता को फोन कर अकाउंट में रखे सारे पैसे निकालने के लिए कहा। पिता ने शेष बचे 35,000 रुपए भी निकाल लिए।
तब कहीं जाकर पैसा बच गया। ठग ने दो बार पीएनबी और एक बार एसबीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकाले हैं। पीड़ित के पिता ने मीडिया से कहा कि पैसे ना घर में सुरक्षित है और ना ही बैंकों में, तो फिर नागरिक किस व्यवस्था पर भरोसा करे। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जाँच की जा रही है। मेरे लड़के का अकाउंट मेन ब्रांच एसबीआई मेन ब्रांच में है, जो अपने स्टेट बैंक में है ना, कलेक्टर के पास, उसमें उसका खाता है। उसका पाँच तारीख को शाम को फ़ोन आया मेरे पास 9 बजे करीब, तो बोला पापा आपने पैसे तो नहीं निकलाए अभी अभी। मैं बोला मैंने नहीं निकलाया। फिर उसने अपनी औरत को पूछा कि भाई अभी तूने पैसे तो नहीं निकाले, बोला नहीं। तो बोला फिर उसने फिर मेरे को वापस दोबारा फ़ोन किया, बोला पापा आप जाओ और वो फटाफट जो पैसे है वो मेरे निकाल लो, कोई मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है। उसने 40,000 रुपये निकाल लिए, बोला तो आप जाओ अभी फटाफट। तो फिर मैंने उसकी औरत से एटीएम मांगा, मैं बोला अभी एटीएम दे। एटीएम लेके मैं गया नज़दीक ही अपने लोहा खान में एटीएम है, उसमें से जाकर के मैंने 35,000 रुपये निकाल लिए और 280 रुपये फिर मैंने बैलेंस छोड़ दिया। तो ऐसा है बैंक में बोलते हैं एटीएम से सिर्फ एक दिन में 40,000 रुपये ही निकल सकते, लिमिटेशन है। तो 40,000 तो उसने निकाल लिया उसी समय, और उसके आधा घंटे बाद मैंने फिर मैं गया 35,000 रुपये बचे हुए मैं निकाल के ले गया आ गया। तो फिर ये ऐसे पैसा बैंक में कैसे सेफ रहेगा जी? और वो बोलते हैं कि सिर्फ 40,000 ही निकालते। वो क्या बोलते हैं, हम हमेशा जाते हैं तो 40 से ज़्यादा हमको मिलता ही नहीं। उस दिन 40 वो ले गया, 35,000 में निकाल के लिया, मतलब एक दिन में 75,000 रुपये निकल गए। क्या मानते हैं ये कुछ ये दिक्कत है बैंक में? ये दिक्कत ये है एक तरह की, वो हमारे पैसे अभी बैंक में सेफ नहीं, तो अभी हम कहाँ पर सेफ रखें? बोलो ना, घर पर रख सकते हैं? घर पर रखे तो वैसे मुझके चोर हो जाते हैं, बैंक में पड़े हैं, बैंक पूरी सुविधा मिली हुई है, तो बैंक में अभी हमारा पैसा अभी सेफ नहीं है। और ये कैसे हो सकता है जबकि एटीएम हमारे पास है ना, हमने किसी को नहीं बताया ना, हमारे पास कोई ऐसा कॉल आया कि भाई आपका एटीएम नंबर क्या है? वह हमने बच्चों से भी पूछा, बहू से भी पूछा, और मैंने भी मालूम है मुझे हमारे को कोई कॉल नहीं आया ना, हमने किसी को कोड नंबर बताया। किसके नाम से है ये? हमारा मेरा लड़का है रज्जाक खान, फौज में है, उसके नाम से ये अकाउंट है। और उसका एटीएम जो है वो अपने मैसेज को देख के गया है कि भाई पैसे जरूरत पड़े तो पैसे निकला लिया करो। तो उसने पैसे भी हमेशा मैं निकालता हूँ, बहू मेरे को देती है, बोला पापा जी ये कार्ड ले लो और पैसा निकाल के ले आओ। मैं उसके एक दिन पहले जब ये 40,000 उन्होंने किसी ने निकाले, उसके एक दिन पहले मैंने 10,000 रुपये बैंक से निकाल करके उनका एटीएम कार्ड वगैरह उन्हीं को मैंने वापस दे दिया। ये लोग तुम्हारा 75,000 रुपये उसमें बैलेंस थे, जब मैं 10,000 रुपये निकाल के लाया तो 75,000 रुपये बैलेंस बढ़े थे। उसके बाद 40,000 उसने निकाल लिया, बैलेंस बचे 35, वो मैं जाके फटाफट 35,000 रुपये निकाल के लिया है। कौन कौन से एटीएम से निकले है? ये पंजाब नेशनल, दो तो है, पंजाब नेशनल बैंक का है, वो कौन सी हाउस है वो जी वहाँ वो हाउस है। और 20,000 रुपये निकले तारानगर, कोई एटीएम है एसबीबीजे का तारानगर है। अब तारानगर हमें भी पता नहीं, मैंने काफ़ी पता किया, तारानगर का पता नहीं लगा। और वो एक हाउस है कोई द्वारा ही है या बराज लिखा हुआ है, वो भी किले लिखा हुआ नहीं है नारी में। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की कड़े शब्दों में हुई निंदा, सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय ने की ऐसी हत्या पर रोक लगाने की मांग, मानव अधिकारों से जुड़े संगठनों के नेताओं ने भी जताया दुख। पत्रकार और दक्षिण पंथियों की आलोचक रही गौरी लंकेश की बेंगलोर में गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में मानव अधिकार संगठन और सोशल एक्टिविस्टों ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार से ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला दबाना चाहते हैं, इसके चलते देश में इस तरह की हत्याएं हो रही है। उल्लेखनीय है कि गौरी ने लंकेश पत्रिका के जरिए कम्युनल हार्मनी फॉर्म का काफी बढ़ावा दिया था। लंकेश पत्रिका को उनके पिता ने 40 साल पहले शुरू किया था और इन दिनों गौरी उसका संचालन कर रही थी। आपके बीच में आए हैं आज, जबकि गौरी लंकेश का हत्या हुआ, कि अजमेर जिले में हम सब नागरिक हैं, कैसे भी बटे अपने आप को, कोई सरकार में है, कोई गैर सरकारी है, कोई पत्रकार है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई एनजीओ में है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई इस संप्रदाय के हैं, कोई उस संप्रदाय के हैं, कोई पुरुष है, महिला है, दलित है, सवर्ण जाति के हैं, हम अपने आप में ये कहें कि हम शांति के लिए, शांति के वातावरण के लिए इस पूरे ज़िले में काम करेंगे और नफरत के आधार पर किसी का जान लेने को हो तो उसको हम रोकेंगे, क्योंकि कई तरीके के समाधान के हमारे मंच हैं, उसमें बैठे अपने विचारों का समाधान करें और शांति से हम जिए। ये अजमेर में दो बहुत प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, एक दरगाह है और एक पुष्कर है,
और ये दोनों बहुत महत्व हैं और इनको हम आदर करते हैं और इस पवित्र भूमि को पवित्र रखना चाहते हैं, तो फिर हम लोग अशांति की ओर नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़े इस मामले में नहीं करेंगे और हम एक तरफ बैठ के जो भी मतभेद होगा उसको सुलझाने के लिए हम तय करेंगे। वो कहने के लिए आज आपके बीच में आई, आप और मैं अलग अलग नहीं है, हम सब मनुष्य हैं, आपका खून है मेरा भी खून है, आपका चिंतन है मेरा भी चिंतन है। छोटा सा सवाल है, पिछले 20 साल से अजमेर में कोई ऐसी वॉयलेंट लायक ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई जिससे हम कह सकें कि जाति बिरादरी आपस में लड़ रही है या हिंदू ने मुस्लिम को मारा या मुस्लिम ने हिंदू को मारा, ये सही अत्याचार हुए, तो क्या आपका ये वर्जन ये माने कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर या किसी राजनीति के कारण आप ऐसा कह रहे हैं कि अजमेर पीसफुल है? वैसे ऑलरेडी पीसफुल है, बहुत दलितों को मारा गया है हमारे नजदीक नागौर में, हमारे यहाँ एक महिला को कुछ ही दिन पहले डाकन करके हम मारे हैं अजमेर शहर के बहुत नजदीक, तो ऐसा हत्या नहीं हुआ है, ऐसा है नहीं, होते रहते हैं, कई लोगों को मार भी देते हैं, मगर मेरा एक मनुष्यता के नाते आई हूँ, ना मैं आपके कोई उम्मीदवार हूँ, ना मैं किसी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, मगर मैं मनुष्यता के नाते, इंसानियत के नाते और मेरे 71 साल की उम्र के नाते बोलती रहूँ, और इसलिए भी बोलते हैं कि आगे ना हो जाए, इसलिए नहीं कि हम ठीक कर चुके हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय माहौल को देख के आई हूँ, जहाँ भी घटना होता है वो घटना इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, यदि हम याद रखें कि हम ना करें तो कभी नहीं होता, यदि हम भूल जाते हैं तो कभी नहीं होता। कांग्रेस नेताओं ने मनाया सचिन पायलट का जन्मदिन, प्रदेश अध्यक्ष को 40वें जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, केक काटकर मनाई खुशियां। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया, कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर पायलट को शुभकामनाएं दी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने पायलट को राजस्थान का लोकप्रिय नेता बताया। कांग्रेस के कई नेताओं ने पायलट को जयपुर में जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर 40वें जन्मदिन की बधाई दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय सचिन पायलट साहब के 40वें जन्म दिवस पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। राजस्थान के अंदर ही नहीं अपितु देश के अंदर जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है और विकास पुरुष के तौर पर जिस तरह राजस्थान में अपने एक उन्होंने लोगों के अंदर ऊर्जा उत्पन्न की है और अजमेर के अंदर जिस तरह के उनके कार्य कराए हुए थे वो सराहनीय हैं। आज वो जन जन के नेता हैं और राजस्थान के अंदर जो है उनका जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, निश्चित तौर पर जो है आने वाला समय कांग्रेस का है। हमारे अभी हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से काफ़ी हमारे कार्यकर्ता जयपुर भी अभी भाग लेके आए उनके जन्मदिवस के कार्यक्रम में और वहाँ पे भी जो जिस तरह का हुजूम उमड़ा था तो उसको देख के हमें निश्चित तौर पर लग रहा है कि सचिन पायलट साहब जो है वो हमारे जन जन के नेता जो आने वाला समय का संदेश है कि राजस्थान में आने वाला नेता हमारा सचिन पायलट जो है यहाँ रहेगा, उनके जन्मदिन पर हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। न्यूनतम पेंशन लागू नहीं करने के विरोध में किया प्रदर्शन, पेंशनर समाज ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे, आंदोलन को दी चेतावनी। पेंशनर समाज की ओर से कलेक्टर पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पेंशनर समाज की ओर से पेंशन विसंगतियों को समाप्त करने और न्यूनतम पेंशन योजना को लागू करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन पेंशनर समाज की मांग पर सरकार की ओर से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जिसके चलते पेंशनर समाज में काफी रोष व्याप्त किया है। राजस्थान पेंशन समाज द्वारा आज एक दिन का सामूहिक धरना दिया गया है, क्योंकि राजस्थान की सरकार अभी तक जो हमारी पेंशन न्यूनतम पेंशन लागू नहीं करी, न पेंशन में किसी प्रकार का संशोधन कर रही, जबकि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2016 से पेंशन भोगियों को राहत प्रदान कर दी, लेकिन राजस्थान की सरकार किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं कर रही है, जबकि बेटा महंगाई बढ़ गई और उसमें महंगाई भत्ता भी हमारे को कम दिया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन है, साथ ही जो ये हमारे वर्कशॉप के कर्मचारी हैं CPF के, उन लोगों को मार्कगोड के आदेश है कि 10,000 रुपये कम से कम न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, तो उनको 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दे, साथ ही तुरंत प्रभाव से हमारे जो है पेंशन में संशोधन करें। 2.57 का फार्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है,
तो 2.57 दिसंबर 2015 तक का महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए हमारी पेंशन में संशोधन करके तुरंत प्रभाव से राज्य जारी कर दिया। आज आप आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध करके प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे, साफ सुथरी ज्ञापन देंगे। उसके अंदर जो हम ये मांग करेंगे कि ये राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी हमारे पेंशनों की जो है पेंशन रिवाइज करें। मेरा नाम भोर सिंह जोधा, पेंशन समाज का पदाधिकारी। जर्जर हो रहा केंद्रीय बस स्टैंड का सुलभ शौचालय, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पैसे देने के बाद भी लोगों को नहीं मिल रही बेहतर सुविधा। केंद्रीय बस स्टैंड पर लोगों की सुविधा के लिए बना सुलभ शौचालय दुर्दशा का शिकार हो रहा है। यहां बैठे ठेकेदार के कर्मचारी लोगों से पैसे तो पूरे वसूल कर रहे हैं, लेकिन सुविधा देने के नाम पर हालत बदतर है। विभाग की अनदेखी के कारण सुलभ शौचालय जगह जगह से जर्जर हो रहा है। ये किसी हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कई बार लिखित शिकायत देने के बाद भी रोडवेज प्रबंधन के कान में जू तक नहीं रेंग रही। शौचालय की हालत किसी खंडर नवा स्थान जैसी हो रही है। बिजली की वायरिंग और सॉकेट भी उखड़ चुके हैं। जाहिर है इसके निर्माण के बाद अब तक अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली है। केंद्रीय बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास में सुलभ शौचालय, इसकी हालत खराब हो रही है। इसकी बारे में एप्लीकेशन लिखी हुई थी, डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया करने के लिए, तो फूटे वगैरह तो चेक करने के लिए वो आए, चेक करके गए, मतलब देखो कब होता है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार प्रेम देवी के नाम से। और अधिकारी लोग वगैरह कौन कौन आए थे? विस्तार से पढ़ने के लिए युवा बन करें poisonhim.com, सच के साथ। दावा नहीं, हकीकत है। अजमेर शहर की हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज, केवल 30 मिनट में आपके मोबाइल पर। हेडलाइन शाम 5 बजे, बुलेटिन शाम 6:30 बजे। देखने के लिए विजिट करें horizonhindnews सच के साथ।